अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने SNB अल अहली बैंक का जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है अगर वो दोनों भूल चुके हैं तो किस तरह से चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हैं पर आपसे चेंज नहीं हो रहा तो किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर हर एक छोटे यूट्यूबर का जो प्रमोशन करता हूँ, उनका जो चैनल है प्रमोट करता हूँ। अगर आप भी करवाना चाहते हैं अपने चैनल को प्रमोट, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि मेरा जो यूट्यूब चैनल प्रमोट कर दीजिए, मैं आपका यूट्यूब चैनल तुरंत प्रमोट कर दूंगा अगली वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो NCB अल अहली बैंक का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। ये एप्लीकेशन यहाँ पे इसमें ओपन कर लेता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको एकदम सही जानकारी देने वाला हूँ कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड अगर दोनों भूल गए हैं तो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। बहुत भाइयों का नहीं होता है तो इसलिए आपको सही से देखना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो चुका एप्लीकेशन। अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड याद होता तो यहाँ पे अपना डाल करके लॉगिन कर सकते थे, लेकिन ये भाई अभी गांव से आए हुए हैं तो इनका यूज़र नेम पासवर्ड बहुत दिन से लॉगिन नहीं कर रहे थे तो ये भूल चुके हैं, तो इसके लिए मैं दोनों चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड यूज़र नेम, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर आपको क्लिक रहने देना है पासवर्ड के ऊपर, फॉरगेट पासवर्ड पर। और नीचे लिखा हुआ है इंटर ID नंबर, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। पहले हम आइए अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर हम डाल दिए हैं, यहाँ पे फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ये हम अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हैं निशान लगा हुआ पासवर्ड का, यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मादा डेबिट कार्ड फ्रॉम SNB, तो SNB का जो कार्ड होता है आपके पास ATM कार्ड, उसका नंबर यहाँ पे ऊपर डाल देना है। उसका 14 नंबर कुछ होता है उसके ऊपर ATM कार्ड के ऊपर लिखा रहता है, तो वही नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो नंबर मैं डाल देता हूँ नंबर, और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कार्ड पिन। तो आपका ATM कार्ड का जो पिन होता है जिसे आप ATM यूज़ करते हैं पैसा निकालने के टाइम पे, वो पिन यहाँ पे डाल देना है, ATM का जो पिन होता है। तो यहाँ पे पिन भी डाल देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू पासवर्ड डिटेल, तो यहाँ पर आपको अपने मनपसंद जो भी पासवर्ड आपको लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर सब मिक्स ही लिखना है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर आपको यहाँ पर गिनती वगैरह से मिक्स कर डालना है, तभी ये होगा। आप देख सकते हैं अगर ये ग्रीन होता है सामने यहाँ पे सबसे फर्स्ट में तो इसका मतलब आपका पासवर्ड सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट SMS कोड, तो यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर शो हो रहा है इसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसको बोलते हैं वेरीफिकेशन कोड, वही कोड को यहाँ पे डाल देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर वेरीफिकेशन कोड भी आया नहीं है, आएगा तो हम यहाँ उसको डाल देते हैं। उसके बाद फिर आगे प्रोसेस दिखाते हैं, थोड़ा सा इंतजार करें। वेरीफिकेशन कोड आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कोड यहाँ पे डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिनिश हो, यानी सक्सेसफुल चेंज हो चुका है। अब हम इसका पासवर्ड तो चेंज कर चुके हैं, अब इसका जो यूज़र नेम है उसको भी चेंज करना है। उसके लिए हमको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है यूज़र नेम, और यहाँ पे लिखा हुआ फॉरगेट पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमको यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक था, अब हमको यूज़र नेम पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चेंज कर दिया हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ इंटर ID नंबर, तो यहाँ पे फिर से अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, अकाउंट नंबर थोड़ा ध्यान से डालना है आपको, कोई गलती ना होने पाए। यहाँ पे अकाउंट नंबर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, एक बार मैच कर लेना आपको सही से। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अभी सही है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना। उसके बाद अब आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर कार्ड नंबर, तो फिर से आपका ATM कार्ड के पीछे जो नंबर लिखा रहता है 14 नंबर, यहाँ पे वो डाल देना है। यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करने का सेम तरीका होता है, बस यही कि आपको उसमें ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कार्ड नंबर यहाँ पे डाल चुका हूँ, थोड़ा बाकी है। अब उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पे आपका कार्ड का पिन डाल देना है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ यूज़र नेम चेंज करते टाइम पासवर्ड। अभी आप प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर एक वेरीफिकेशन कोड आएगा, वही कोड को यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि हर बार ऐसे होता है कि हम यहाँ पे वेरीफिकेशन कोड आता है तो डालना पड़ता है, वही वाला वेरीफिकेशन कोड फिर से आएगा। तो आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे कि OTP आ चुका है यहाँ पे OTP डाल देना है। बस थोड़ा सा इंतजार करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र नेम यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है, लिखा हुआ है यूज़र नेम यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे जो फिनिश पे क्लिक कर देना है।